व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। पहले इंट्रोडक्शन देने से पहले शानदार क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैं बेस्ट क्वेश्चन है। और ये कंट्री जिसका नाम है निकागुआ, काफी न्यूज में है कई सारे रीजन की वजह से। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर विजिट की। इसके अलावा अभी जेरूसलम, जो कि यूएसए के द्वारा बोला गया है कि अपनी एम्बेसी वहां पर ट्रांसफर करेंगे तल अवीव से, अब निकारगुआ ने भी ये अभी स्टेटमेंट दी। तो काफी न्यूज में है कई सारे रीजन की वजह से। पॉलिटिकल ज्यादा स्टेबिलिटी भी नहीं है, उसकी वजह से भी काफी न्यूज में है। तो इस कंट्री की लोकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि ये पनामा के साउथ में है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट अभी देखने को मिलेगी। दूसरी बात बोली गई है ये कैरेबियन सी में अपना, मतलब कैरेबियन सी से कनेक्टेड है, वहां पे ओपन है। तीसरा बोला गया कि शेयर करती है बॉर्डर मेक्सिको के साथ में। तो तीन स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिए कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो आइए आपको मैप पे लेकर चलता हूं, वहां पे आप लोग समझ पाएंगे। यहां पर थोड़ा जूम करते हैं इसको हम, अभी आप लोगों को दिखेगा मैप में। ये हो गया यहां पर निकारगुआ, ओके। यहां पर ये हो गया कैरेबियन सी आप लोगों के सामने साइड में, ये राइट साइड में। ऊपर आप लोगों को मेक्सिको देखने को मिल रहा है, यहां पर मेक्सिको हो गया ये, और ये हो गया गल्फ ऑफ मेक्सिको इसके साइड में। तो नीचे पनामा हो गया यहां पे, तो पनामा इसके साउथ में है, पनामा इसके साउथ में है, ना कि निकारगुआ साउथ में है पनामा के, ठीक है। अपोजिट स्टेटमेंट है यहां पर। दूसरा यहां पर बोला गया कि ये मेक्सिको के साथ में बाउंड्री टच करता है। क्या मेक्सिको के साथ में बाउंड्री टच करता है? नहीं, ये मेक्सिको के साथ में बाउंड्री टच नहीं करता है, ओके। और तीसरा कैरेबियन सी में खुला हुआ है, जी हाँ ये कैरेबियन सी में खुला हुआ है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा मैप भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अगर यहां पे आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहा तो यहां पे देखिए, ये हो गया निकारगुआ, ये हो गया यहां पर कैरेबियन सी, ऊपर यहां पर मेक्सिको देखने को मिलेगा, इसके साथ में इसका कोई टच नहीं है, और ये पनामा यहां पर इसके साउथ में है, ना कि निकारगुआ पनामा के साउथ में है, ओके। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन था, आप लोग को आइडिया होना चाहिए अगर कोई कंट्री इस तरीके से न्यूज में रहती है। तो स्टेटमेंट यहां पर ओनली सेकंड सही है, कैरेबियन सी में ये खुलता है, इसके अलावा दोनों स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट भी और थर्ड भी, ओके। तो आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, 10 करंट अफेयर के शानदार क्वेश्चन अभी यहां पर आने वाले हैं। एक हम कर चुके हैं, 9 अभी आप लोगों के आगे आएंगे। आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग कितना स्कोर यहां पर गेन कर पाते हैं। वीडियो को शानदार तरीके से यूटिलाइज करने के लिए देखते ही क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में आगे बढ़ना है, और फिर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिए। ये मैं पहले ही बोल चुका हूं, इससे आप लोगों को ही फायदा होने वाला है अगर आप लोग ये प्रैक्टिस फॉलो करके चलेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखने के लिए आप लोगों को लगेगा कि पॉलिटिकल क्वेश्चन है, पर लेकिन क्वेश्चन क्यों आएगा निकल के यहां से, क्वेश्चन इसलिए आएगा, अभी काफी न्यूज में था कि हमारी कंट्री में जो विलेज है उनको 100% यहां पर कनेक्टिविटी कर दी गई है, मतलब 100% इलेक्ट्रीफाइड विलेज हो गए हैं हमारी कंट्री में। तो आप लोगों से डायरेक्ट नहीं पूछेगा इससे क्वेश्चन, इनडायरेक्ट वे में निकल के आएगा क्वेश्चन। ये आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे संविधान में जो 7 शेड्यूल है उसमें किस लिस्ट में ये इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर कि संविधान में कौन से शेड्यूल में आती है, तो 7 शेड्यूल आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। अब इसके अंदर तीन लिस्ट होती है, तीन लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंक्रेंट लिस्ट होती है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। सेंट्रल लिस्ट में सेंटर काम करता है, स्टेट में स्टेट काम करता है, कंक्रेंट लिस्ट में दोनों ही काम करते हैं, मतलब अगर कोई सब्जेक्ट कंक्रेंट लिस्ट में है तो दोनों ही उसके ऊपर लाभ बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। तो ये यहां पर इस तरीके आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी का पॉलिटी में कवर कर चुका हूं डिटेल में ये लेक्चर में कि कौन कौन सी लिस्ट होती है, इन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट डिटेल में आप लोगों को दिखाए थे, जाकर आप लोग यहां पर लिंक पर क्लिक करके जाकर इसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे क्या बात बोली गई है। तो इसका आंसर होगा यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ये कंक्रेंट लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब ये है कि स्टेट भी इस पर अपना लाभ बना सकता है और सेंटर भी लाभ बना सकता है, पर लेकिन अगर सेंटर पहले लाभ बना देता है तो सेंटर के लाख को ज्यादा पावर दी जाएगी एज कंपेयर टू स्टेट के लाखों। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये क्या बोल दिया गया यहां पर। तो इस तरीके से अगर आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे तो आप लोग अच्छे से आंसर भी दे पाएंगे, ओके। तो कंक्रेंट लिस्ट में है जितना ये न्यूज में था, क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी में आ गया था, क्योंकि अगर बात करें कि जब 100% इलेक्ट्रीफाई करने की बोली जाती है विलेज को, तो ये 100% तो बोल दिया है, पर लेकिन ये होता है पता है कैसे होता है, यहां पे अगर कोई गांव 90% यहां पर वो 90% इलेक्ट्रीफाई छोड़ दिया जाता है, ओनली 10% काउंट किया जाता है, मतलब अगर आसपास वाले एरिया में 10 गांव है, 10 क्या आप लोग 20 गांव ले लीजिए, ये 20 गांव के 10-10% लोगों के घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी है और उसके साथ में उस एरिया में पंचायत या फिर हॉस्पिटल या फिर स्कूल्स उनमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका मतलब है कि 10% लोगों के पास में अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो वो गांव 100% इलेक्ट्रिफाइड की लिस्ट में आता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर कोई लोग अपना नाम लिखना जानता है, सिग्नेचर करना जानता है और थोड़ा सा पढ़ना जानता है, तो इसका मतलब वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, वो एक लिटरेट आदमी है हमारी कंट्री के हिसाब से। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं ये डेफिनेशन है जिसके हिसाब से यहां पर काम होता है, ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन कुछ और रहती है। आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहां पर ये ट्रेड के बारे में बात की जा रही है कि जो जर्नलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जिसको जीएसपी बोला जा रहा है, जीपीएस नहीं है, जीएसपी है, ठीक है।
हेल्प करता है कि किस तरीके से एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है, ट्रेडिंग का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है, खासकर डेवलपिंग कंट्री में। डेवलपिंग कंट्री मतलब जो अभी डेवलपमेंट की रेस में चल रही है, अच्छा खासा डेवलपमेंट वहां पर चल रहा है। इंडिया का नाम आप लोग ले सकते हैं और यहां पर चाइना का भी नाम आप लोग ले सकते हैं। तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी में आती है, तो यहां पर एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने में हेल्प क्रिएट करता है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो ये यहां पर इंस्टीट्यूट किसके द्वारा किया गया है, ठीक है ना, किसके अंडर में है ये, तो ये यहां पर है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है यहां पर आंसर जो इसको यहां पर क्रिएट किया गया था और 1971 से इसका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है यहां पर नासा ओरियन के बारे में, ये क्या है। कई बार ऐसी टर्म्स आप लोगों से दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा ये क्या है। तो ये एक ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट है जो कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया जाना है। ठीक है ना, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोगों के सामने है। आप लोगों को अगर याद होगा या फिर आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है द कोर मूवी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो कुछ ऐसा ही वहां पर स्टेटमेंट है। पर लेकिन यहां पर बात की जा रही है स्पेस की और वहां पर क्या करता है, पृथ्वी के अंदर जाता है। पृथ्वी के अंदर जाकर जो पृथ्वी घूमनी बंद हो जाती है तो फिर से उसको मतलब चक्कर कटाना स्टार्ट किया जाता है वहां पर उसके अंदर बम्बार्डमेंट करके। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम है यहां पर, एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, स्पेस को देखा जाएगा, स्पेस में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है और ज्यादा बातें जानी जा सकती हैं। इसके यहां पर देख सकते हैं आप लोग सोलर पैनल लगे हुए हैं जिससे कि रिचार्ज होता रहे, आराम से एनर्जी मिलती रहे और सारे सिस्टम आराम से चलता रहे। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से डायरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो इसकी स्टेटमेंट का आंसर हो गया यहां पर, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूज में भी था। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। सॉरी, तो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, पहले तो ये बात है आप लोगों के सामने। तो पब्लिश जो किया जाता है ये किया जाता है डी है आंसर यहां पर, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। क्वेश्चन आप लोगों से एक और बन सकता है कि टोटल यहां पर 180 कंट्री को काउंट किया जाता है, तो इंडिया की रैंक क्या रही है जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट यहां पर आई है, तो इंडिया की रैंक क्या रही है इस इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंक है 138। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा दिया जाता है, ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की रैंक कितनी है। यहां पर बात ये की जाती है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो प्रेस है, ठीक है ना, आप लोग देखते हैं प्रेस के अंदर जो भी चीजें यहां पर आज के डेट में देख सकते हैं, न्यूज पेपर वगैरह हो गया या फिर आप लोग जो भी यहां पर चीजें फॉलो करते हैं, चैनल वगैरह हो गए, बहुत सारे न्यूज चैनल हो गए, तो यहां पर कितनी फ्रीडम है इनको अपना काम करने के लिए, इनको सप्रेस नहीं किया जाता है, प्रॉपर फ्रीडम है, कहीं पर भी जाकर कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसकी रैंकिंग की बात की जा रही है, तो ज्यादा अच्छी रैंकिंग यहां पर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं हमारी कंट्री में भी। ओके, तो यहां पर रैंक है हमारी तो 138, तो डी है यहां पर आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोगों के सामने बात की जा रही है आर्मस्ट्रांग मिक्सचर्स के बारे में, आखिर क्या है, और रिसेंटली ये न्यूज में था। अभी यहां पर कुछ चीजें बैन की गई हैं जिसके तहत यहां पर आर्मस्ट्रांग मिक्सचर यूज किया जाता है। आप लोगों ने शादी विवाह में देखा होगा कई तरीके पटाखे टाइप के छोड़े जाते हैं और उसमें से कई रंग बिरंगे वो फूल से निकल के आते हैं, जो कि नॉर्मली जब भी यहां पर कोई किसी का स्वागत करने के लिए वो नहीं होता है, बोतल में से निकलते हैं कई तरीके रंग बिरंगे टाइप की चीजें, तो उसमें एक एक्सप्लोसिव टाइप का होता है। ठीक है, तो उसको मिक्सर को अभी बैन कर दिया गया क्योंकि काफी नुकसान पहुंचाता था वो अभी हमारे सेंटर पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। आखिर कहां पर सिचुएटेड है नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताइए। ठीक है, जो ये सेंटर पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड कहां पर सिचुएटेड है, कौन सी कंट्री में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बात की जा रही है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कंबैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम, मतलब जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं, मतलब क्या होता है, जैसे कि जानवरों को मार दिया जाता है, उनकी खाल उतार ली जाती है और राइनोज के सींग काट लिए जाते हैं, हाथी के दांत काट ले जाते हैं, तो इस तरीके से जो भी यहां पर किस तरीके से क्राइम होता है, इस तरीके से मारा जाता है जानवरों को, उसके बारे में बात की जाती है। तो किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर कोलैबोरेशन किया जाता है, किस किस के बीच में इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, तो स्टार्टिंग की जो आप लोगों के सामने यहां पर स्टेटमेंट है ये है यहां पर CITES, ये है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पीसीज, मतलब किस तरीके से उनको रोकना है जो इनडेंजर्ड स्पीसीज है। सेक्रेटरीट एक तो ये यहां पर रोकता है इस चीज को, दूसरा यहां पर TRAFFIC, ये है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, एक ये है जो यहां पर इसको रोकता है कि किस तरीके से ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये तीनों यहां पर इसमें कोई काम नहीं करते हैं, ना इंटरपोल, ना वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और ना वर्ल्ड बैंक। तीनों को पढ़ के आप लोग बता भी सकते हैं कि इनका इससे कोई रिलेशन नहीं होगा दूर दूर तक भी, नॉर्मल कॉमन सेंस यूज कर भी आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो आंसर हो गया यहां पर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज में भी था ये, क्यों, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया रानी की वाव को, तो कहां पर सिचुएटेड है, पहले तो ये क्वेश्चन है। तो ये यहां पर राजस्थान बोला गया है, पर ये राजस्थान में नहीं है, ये है गुजरात में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, ये एक मेमोरियल किंग के द्वारा यहां पर बनाया गया था एज ए मेमोरियल, क्या ये सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है,
और ये एक इन्वर्टेड टेम्पल है। मतलब कहने का क्या है, आप लोग नॉर्मली मंदिर देखते हैं ऐसे बनता है मंदिर, ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए उसमें इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ऊपर इस तरीके का वी शेप ऐसे उल्टा होता है, पर लेकिन ये ऐसे है, ठीक है, नीचे को ऐसे जाता हुआ दिखेगा। पिक्चर भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मतलब ये ऊपर से तो खुला हुआ है, नीचे को जैसे जाएंगे तो ये आप लोगों को ऐसी शेप में जाता हुआ नजर आएगा, मतलब नीचे को जाएंगे तो ये ऐसे सुकड़ता चला जाएगा, ना कि जैसे ऊपर को होता है। तो इन्वर्टेड टेम्पल को भी, टेम्पल की तरीके से भी इसको देखा जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये गुजरात में है ना कि राजस्थान में। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात की जा रही है कि जो महात्मा गांधी जी की 150th एनिवर्सरी आ रही है उसके बारे में बात की जा रही है, 2019 में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, तो ये किस तरीके से यहां पर सेलिब्रेट की जानी है उससे रिलेटेड यहां पर कई सारी बातें आ रही है। नेशनल कमिटी फॉर ये है यहां पर कमेमोरेशन 150th जो बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की, तो उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। किसके द्वारा जो मीटिंग हुई थी वो चेयर की गई थी यहां पर, तो मीटिंग जो चेयर की गई थी ये की गई थी यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और मेंबर जो है यहां पर टोटल 125 मेंबर आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। इसमें सारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पुराने जो भी यहां पर लीडर हुआ करते थे, इवन यूएन के कोफी अन्नान और यहां पर बान की मून भी आप लोगों को नजर आएंगे। मतलब काफी शानदार तरीके से यहां पर इसको एक तरीके से देखा जा रहा है कि किस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी को कभी भी ये डिफाइन नहीं किया जाता कि ये ओनली इंडियन थे, इनको एक वर्ल्ड सिटीजन के तरीके की दर्जा दिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड सिटीजन के तरीके से इनको देखा जाता है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। और कई सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसका भी टारगेट यही है कि महात्मा गांधी जी की जो अभी 150वीं एनिवर्सरी है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 2 अक्टूबर 2019 में जो यहां पर 150वीं एनिवर्सरी है, यहां पर स्वच्छ भारत अभियान को कंप्लीट करने की बात की जा रही है, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी बनाने की बात की जा रही है 2019 तक, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, स्वच्छ भारत अभियान से भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट वे में, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन निकल के आ सकता है, खासकर काफी न्यूज में है जिस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ट्राइबल एरिया से रिलेटेड बात की जा रही है, तिवा ट्राइब के बारे में। तिवा ट्राइब जो कि यंगली फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, ये यहां पर होता है कि किस तरीके से अपनी जो फसल है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है नेचुरल क्लाइमिटी से, मतलब कोई भी बाढ़ वगैरह आ रही है, सूखा पड़ जा रहा है, तो उससे किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है ये ट्राइब, तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इनके सेलिब्रेशन का मोड कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके सेलिब्रेट करते हैं अपने जो भी इनके इनके फेस्टिवल होते हैं, खासकर क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो नॉर्मली ये आसाम में आप लोगों को देखने को मिलती है, पर कुछ एरिया इनका पर्टिकुलर आप लोगों को मेघालय में भी नजर आएगा, मतलब आसाम और मेघालय में कंबाइन आप लोग बोल सकते हैं। तिवा ट्राइब के बारे में आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है फेस्टिवल के बारे में, ये फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, मतलब क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन बन सकता है अगर आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। बोलेंगे कि यंगली फेस्टिवल किस ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड बात यहां पर की जाती है यंगली फेस्टिवल के तहत, और ये यहां पर किसके द्वारा, तिवा ट्राइब जो कि मेन एरिया है आसाम में, नेचुरल क्लाइमिटी से किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्रॉप को, इस पे इनका पूरा फोकस रहता है, ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो जरूर बताएगा आप लोग कितने मार्क्स यहां पर गेन कर पाए हैं, और चीजों को शेयर भी कर दीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कोई फायदा हुआ है, ठीक है, बाकी का सजेशन दे सकते हैं जो भी आपके माइंड में हो कि हाँ यहां कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ऑलवेज ओपन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।